सबरंग टीवी के साथ आपका मेज़बान इलियास करीम हाजिर खिदमत। और जी नाज़रीन, जैसा कि एक गिला शिकवा हमें हमेशा से रहा है कि हमने, मुझ समेत हमारी कोयटा की आवाम ने कभी कोयटा को ऑन नहीं किया, यानी इसे अपना शहर नहीं समझा। लेकिन आज ये गिला जो है किसी हद तक ख़त्म कर दिया उन नौजवानों ने जो इस वक्त बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स कर रहे हैं। हमने अब तक तो ये देखा कि वॉल चॉकिंग होती रही हमारी दीवारों पे, जिसमें सियासी नारे, बहुत ही गैर अखलाकी किस्म के इश्तिहारात। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये ठान ली है कि इन्होंने कोयटा को खूबसूरत बनाना है। और वाकई इन्होंने कोयटा को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया है। दो हफ्तों से मैं देख रहा हूँ जगह जगह इस तरह के कैंप लगाकर दीवारों को खूबसूरत कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं। और इनके पास जाते हैं, जाके इनसे बात करते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत काम है, यकीनन बहुत खूबसूरत काम है जो ये कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो है वो रहमीन भी होगी, तो रहमीन भी लोगों से बातचीत करेगी, इंटरव्यू करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमीन। वालेकुम सलाम। तो रहमीन, क्या सोचा आज क्या करना है? हमने दोनों ने मिलकर इंटरव्यू करना है, तो चले इनके पास जाके बात करें। yes. और अहमद जान भी साथ है, अहमद जान सिर्फ एंजॉय करेगा हमारे साथ। अहमद जान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें चलें जाके देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा कोयटा शहर है, और हम इस वक्त कोयटा शहर में ही मौजूद हैं। और ये देखें कितनी प्यारी उन्होंने सीनरी बनाई है, ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह ये पेंटिंग बना रहे हैं। और इनको क्या सीख मिलती है इससे, चलिए अभी मालूम करते हैं। वालेकुम सलाम। आपको पेंटिंग का शौक कब से हुआ? मुझे पेंटिंग का शौक तब से हुआ जब से मैंने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। आपको खुशी हो रही है ये काम करके? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा, मैं यहाँ पे आई, मुझे भी अच्छा लगा, मेरे शहर को खूबसूरत बना रहे, बलूचिस्तान को खूबसूरत बना रहे। आपको क्या मिलता है ये करके? मुझे ये करने की एक तो खुशी मिलती है, एक तो मेरा आर्ट आगे जा रहा है, इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम कुर्बान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंदील राजपूत है। आपको पेंटिंग का शौक कब से हुआ? मुझे पेंटिंग का शौक, मैंने यूनिवर्सिटी जाके पेंटिंग पे काम करना स्टार्ट किया था। अच्छा, आपको खुशी हो रही है काम कर कर? बिल्कुल। अच्छा, जिनका आदमी मैंने इंटरव्यू किया था वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। अच्छा, आपको आखिर तो मिलता क्या है ये करके? खुशी मिलती है और साथ में थोड़ी सी इनकम भी हो जाती है। आपको मजा आता है ये काम करके? बहुत मजा आता है। अच्छा, ये आप अभी क्या बना रही हैं? ये अभी हम ट्रक आर्ट बना रहे हैं। आपने देखे होंगे रोड पे जो ऐसे ट्रक्स गुजरते हैं, वो इसी तरह से डेकोरेटिव होते हैं, मल्टी कलर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नूर फातिमा। अच्छा, आपको पेंटिंग का शौक कब से हुआ? बचपन से ही था यार। आपको शौक है पेंटिंग का? जरूर। आप कितने साल के हो? मैं 7 इयर्स ओल्ड हूँ। बस मुझे भी 7 इयर्स से हुआ था, जब मैं आपके जितनी थी तब से हुआ था। अच्छा, तो आपको खुशी मिलती है ये काम करके? बहुत ज़्यादा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। आपने कभी की है पेंटिंग? तो आपको पता होगा है ना, नोटबुक पे कितनी इंजॉयमेंट होती है कलर्स करने में और पेंट्स करने में, है ना? आप यहाँ चेक करो आर्टिस्ट वाले हाथ, आप भी बड़ी हो जाओ, फिर मिल के करेंगे यहीं पे पेंटिंग, सही? डन। चलो, गिव मी अ हैंड। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप आर्टिस्ट हैं? जी हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। आप कितने सालों से यहाँ पे काम? मैं यहाँ पर, वैसे तो मैं काफ़ी साल से सीखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करीबन 2 हफ्ते हो गए काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आपको खुशी मिलती है कि आप अपने शहर को, तो शहर को खूबसूरत बना रहे हैं? ये जो पहले इश्तहार
लगे होते थे, आप उनको कट करके अपनी प्यारी पेंटिंग्स बना रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि इश्तहार तो अच्छे नहीं लगते ना, जिससे हम लोग कलरफुल दीवारें बना रहे हैं, जिससे हमारा शहर भी खूबसूरत लगेगा और गंदी दीवारें भी छुप जाती हैं। जी चलिए नाज़रीन, देखा आपने, हमने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी किया, तो मैं ये देखिए, हमें ये जानकर भी खुशी हुई कि कोटा शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे बलोचिस्तान को खूबसूरत बना रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक। आप कितने सालों से ये पेंटिंग कर रही हैं? मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, मतलब मैं बचपन से ही कर रही हूँ। अच्छा, आपको मजा आता है काम करने में? बहुत मज़ा आता है मुझे ये काम करते हुए। अच्छा, तो आपको खुशी होती है कि आप अपने शहर को, अपने कोटा शहर को? हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है। कोटा शहर में पहली दफ़ा ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है कि जहाँ पर सारी वॉल पेंट्स हो रही हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको ये फ्यूचर कब से आया कि मैं बड़ी होंगी, मैं पेंटिंग करूँगी? ये बचपन से ही था कि मैं बड़ी होंगी और मैं जो हूँ पेंटिंग की तरफ आऊँगी, और फिर मैंने कर लिया। वालेकुम अस्सलाम, और मेरा नाम इस्माइल सैफ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं फ्यूचर एम्बेसडर ऑफ आर्ट्स, और मैं छोटे छोटे बच्चों को एम्बेसडर बनाता हूँ आर्ट का, ताकि वो फ्यूचर में आर्टिस्ट बने। और ये जो सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं ना, मैं इनको यहाँ पे देखने आता हूँ कि ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भी कहने या सिर्फ खाना पीना कर रहे हैं, लेकिन अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे आर्टिस्ट हैं, आप इनको देखने आते हैं? हाँ, मैं इनको देखने आता हूँ कि ये चेंज तो नहीं हो गए, इनके छोटे मोटे कान तो बड़े नहीं हुए हैं, या सिंगिंग तो नहीं आई इनके। सिंग कैसे आते हैं? सिंग आर्टिस्टों के आते हैं ना, आर्टिस्ट को तो अपने यहाँ से ब्रश पकड़ ले, ये एक सिंग खींचा, यहाँ से कान बड़ा किया। अलाफिस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। रहमीन, ये जो आप यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आई थी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों, आपको कैसे शौक हो गया? मैंने लोगों को देखा, मुझे मजा आया, और मैंने सोचा थोड़ी बहुत पेंटिंग।